नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग में किस प्रकार से हमें सावधानी रखनी चाहिए इसके बारे में एक साधारण टिप्स बताऊंगी, जिसको कि आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, माइंड में रख सकते हैं, और इसको यदि आप फॉलो करेंगे तो आप लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान भी उतना ही होता है और फायदा भी उतना ही होता है। यदि हम बिना किसी नियम बनाए मार्केट में काम करते हैं तो हमको जो है हानि अधिक उठानी पड़ती है, और यदि हम सोच विचार के समझ के एक नियम के तहत यदि हम काम करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है प्रॉफिट भी अच्छा होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग के नियम भी कुछ रहते हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। आप बाय करते हैं, सेल करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, तो किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा जो है टिप्स बतला रही हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय हमें कभी भी अपना पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति जब मार्केट में काम करता है तो उसका एक नियम रहता है कि मैं 5,000 लगाऊंगा, 10,000 लगाऊंगा, या अधिक व्यवस्था में आप 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपये लगाएंगे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग का नियम यही कहता है कि पूरा पैसा हमें एक साथ नहीं लगाना चाहिए। और सबसे पहली बात यह भी है कि मार्केट की आपको है जो है कार्य करने के बारे में जानकारी रहनी चाहिए कि आपको किस प्रकार से मार्केट में ट्रेड करना है। यदि आपको मार्केट में काम करने के पूरे नियम मालूम होंगे तो आप कभी भी नुकसान नहीं उठाएंगे, क्योंकि लाभ हानि होती है, क्योंकि यह मार्केट है। किसी व्यक्ति को कभी भी पूरे समय लाभ नहीं होता है, कुछ टाइम उसके लिए अच्छा रहता है जिसमें वह प्रॉफिट कमा लेता है, लेकिन लालच और लोभ में पड़ कर के उसी प्रॉफिट को गंवा देता है, क्योंकि वह अपने दिमाग में यह बात नहीं लाता कि जो पैसा मैंने लगाया है उसे मुझे बचाना चाहिए। यानी कि उदाहरण यदि हम मान लें कि आप 20,000 रुपये मार्केट में लगा रहे हैं और 20 के यदि आपने जो है प्रॉफिट कमाकर 40,000 बना लिए हैं, तो जब आप 40,000 रुपये बना लेंगे तो इससे आपको लोभ बढ़ जाएगा, और कहा गया है कि लोभ पाप का मूल होता है और इसी के कारण व्यक्ति को हानि उठानी पड़ती है। जब आप 20 के 40,000 रुपये बना लेंगे तो आपको यह लोभ आ जाएगा कि आप क्यों ना आप पूरे 40 के 40,000 रुपये लगा करके एक मोटा मुनाफा कमा लें। तो जी हाँ दोस्तों, आप 40 के 80 भी कमाना चाहेंगे तो एक बार आप 40 के 80 भी बना लेंगे, लेकिन जब आप 80 भी बना लेंगे तो भी आपको इसका लोभ जो है और अधिक बढ़ जाएगा। तो हमें यह विचार करना चाहिए कि जब हम जो हमने पहला अपना अमाउंट लगाया है, यानी कि आपने जो 20,000 रुपये लगाए हैं और उससे जब आपके 40 हो गए, तो जो 40 में आपने 20 कमाया है उस 20 को आपको बचा के रखना चाहिए। बस यही छोटी सी बात है, क्योंकि जब आप उस 20 को अपने पास सेव कर लेंगे और आप फिर 20 ही से आगे कमाएंगे तो यह आपके प्रॉफिट में वृद्धि करेगा। लेकिन बहुत सारे जो व्यक्ति काम करते हैं, बिगनर भी रहते हैं, सीखते भी हैं मार्केट का काम, तो लोभ में आ जाते हैं कि जो आया उसे पूरा लगा दिया, जब आया उसे पूरा लगा दिया, जो भी प्रॉफिट हुआ, तो इस चक्कर में व्यक्ति को जो है बड़ा बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है और ले दे करके आपका जो प्रॉफिट रहता है वह शून्य हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही काम का टिप्स है, क्योंकि यदि हमें मार्केट में रुकना है, मार्केट में काम करना है, तो हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमें कुछ ऐसे नियम बनाना चाहिए कि जो जिनको हम विचार करके मार्केट में लाभ ले सकें। एक नियम यह बनाना चाहिए कि आप एक निश्चित अमाउंट जैसे आपने लगाए, एक उदाहरण स्वरूप जैसे आपने 20,000 लगाए, 20 के 40 बनाए, तो जो आपका प्रॉफिट 20,000 हो गया उसे आप सेव कर लीजिए। इसके बाद आपको जो आपने 20 लगाया है
जो 20 हैं आप उसी में से आगे प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है उसको करने के बाद, चाहे आपको कितना भी लाभ दोबारा मार्केट में काम करने का मन हो, बिल्कुल ना करें। यदि क्योंकि व्यक्ति को जब नुकसान होता है तो उसका दिमाग अस्थिर होकर के वह सोचता है कि क्यों ना मैं जो अमाउंट नुकसान हुआ उसको पूरा करने के लिए व्यक्ति उसी दिन जो है पूरा अमाउंट लगा देता है। तो इस कार्य को करने से बचें, मन की बातों पे ना जाएं। और इसके अलावा हम देखेंगे कि जब भी मार्केट में जो भी आप प्रॉफिट करते हैं, यदि उससे अधिक नुकसान ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि आप कुछ नियम बना करके मार्केट में काम करेंगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हम पैसे कमा सकते हैं और लोग जो हैं कमाते भी हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एक छोटा सा टिप्स था जिसे कि हमें सभी को ध्यान में रखना चाहिए, और इसको यदि हम अपने माइंड में बैठा लेते हैं तो निश्चय ही यह हमारे लाभ की पहली सीढ़ी बन जाएगा। यदि आपको यह सुझाव अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके साथ ही, जैसा आप जानते ही हैं, हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट की एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो है गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी, निफ्टी बैंक डायल कर दैनिक, वीकली, मंथली प्रिडिक्शन दिया जाता है। इसमें आप जो है कितना मार्केट अप जा सकता है, डाउन जा सकता है, यह जान सकते हैं। किस दिन मंदी, किस दिन तेजी के योग बनेंगे, यह भी आप जान सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।